इज़ वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे और भाइयों की डिमांड पे, जो कि मुझे ये बोल रहे थे कि यार अर्बन क्रूज़र का स्मार्ट की का रिव्यू करो, स्मार्ट की का रिव्यू करो, तो मैं आज आपके सामने रिव्यू लेके आ चुका हूँ। एक्चुअली ये स्मार्ट की मैं 2000 बता देता हूँ मैंने किन किन गाड़ियों में स्मार्ट की यूज़ की है। मैं ये 2016 से यूज़ कर रहा हूँ। 2016 मॉडल स्विफ्ट थी, जो फेस लिफ्ट आया था स्विफ्ट का, उसमें मेरे पास ZXI टॉप मॉडल था, उसमें ऑलरेडी ये स्मार्ट की थी। उसके बाद मेरे पास 2017 मॉडल i20 एस्टा ऑप्शनल थी, उसमें मतलब हुंडे की भी स्मार्ट की यूज़ कर चुका हूँ। तीसरी ये अर्बन क्रूज़र है, जो कि टोयोटा का लाइनअप है, और इसमें भी स्मार्ट की अवेलेबल है। फंक्शन लगभग सब गाड़ियों के सेम से ही हैं, कुछ ऐसा फ़र्क नहीं है, बट स्मार्ट की है। तो ये मतलब ये मेरी तीसरी स्मार्ट की है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आपका जो भी मेरे को आप लोग बड़ा प्यार दे रहे हो, और बहुत ही मेरे दिल से खुशी ही हो रही है मुझे, और मैं बड़ा अपना आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों को कि मुझे इतना प्यार मान सम्मान आपके द्वारा मिल रहा है। क्योंकि देखो, कोई इंसान कितना भी गुणी हो या कुछ भी उसके अंदर नॉलेज हो, वो नॉलेज जब ही निखर के आती है जब सामने वाला उसको सराहाता है। अगर कोई सराहाने के लिए ही नहीं है, या कोई बताने के लिए ही नहीं है कि आप अच्छा कर रहे हो, तो फिर वो नॉलेज बेकार है। तो बड़ा ही आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ मेरे दोस्तों और मेरी YouTube की फैमिली कि आप लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हो। तो स्मार्ट की का रिव्यू कुछ इस प्रकार है। वीडियो को बने रहिए, अंत तक देखिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उससे एक मोटिवेशन मिलता रहता है इंसान को, और वो आपके लिए नए नए कंटेंट नई नई जगह पे जाके लाता रहता है। तो अब आइए वीडियो देखते हैं फिर साथ में। सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर जो कि अभी तक मेरे किसी भाई ने नहीं बताया, आज मैं अपनी वीडियो पे पहली बार बताने जा रहा हूँ। और सबसे बड़ा वो फीचर ये है कि ये एक सेफ्टी स्विच भी है इंजन स्टार्ट स्टॉप के साथ साथ। वो और सेफ्टी फीचर ये है कि अगर गाड़ी आपकी 20 से ऊपर है, और अगर आप इसे मतलब गलती से प्रेस कर देते हैं, तो गाड़ी का इंजन ऑफ नहीं होगा, या कोई बच्चा या फिर आप ही ऐसी कोशिश करें कि आप अपनी गाड़ी के इंजन को ऑफ कर दें 20 से ऊपर, तो ये नहीं होगा। जबकि जो चाबी वाली कार्स होती हैं, जिसके अंदर चाबी लग के इग्निशन स्विच ऑन होता है, उसके अंदर आप कितनी भी स्पीड में अगर चाबी को बंद कर दोगे तो गाड़ी बंद हो जाती है। बट ये जिसमें स्टार्ट स्टॉप स्विच होता है, इसका सबसे बड़ा ये पॉजिटिव साइड है, और ये एक सेफ्टी की साइड भी है कि हिल पे अगर आप चाहें कि आप अपने गाड़ी के इंजन को ऑफ कर दें, इसकी जो है बातें भी हैं कि अगर आप हिल पे चाहें और डिसेंडिंग के टाइम आप सोचें कि आप अपनी कार को ऑफ कर दें, तो वो नहीं होगा। ये कार ऑफ नहीं होगी, 20 से नीचे जाएगी जब ही ऑफ होगी, वरना नहीं होगी। ये एक सबसे बड़ा फीचर था जो कि इंजन स्टार्ट स्टॉप में मिलता है, जो कि चाबी वाली गाड़ी में नहीं होता। दूसरा कुछ देख सकते हैं स्मार्ट की, टोयोटा अर्बन क्रूजर की कुछ इस प्रकार है। देख सकते हैं एक इसमें लॉक अनलॉक, लॉक होते के साथ ही स्मार्ट की वाली कार के अंदर एक आवाज सुनाई देगी आपको। आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही मैं लॉक करूंगा स्टेयरिंग की मोटर में एक साउंड आएगी और लॉक एक्टिवेट हो जाएगा। तो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इसके अंदर, वो ये है कि जैसे ही गाड़ी लॉक होती है, स्टेयरिंग भी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, और गाड़ी अनलॉक होते ही वो भी अनलॉक हो जाता है। ये स्मार्ट की वाली कार्स में होता है और किसी कार में नहीं होता। तो स्मार्ट की का दूसरा ऐसा बेनिफिट जो कि अभी तक और किसी भाई ने नहीं बताया, वो मैं बता रहा हूँ, वो ये है। तीसरी चीज, ये एक ओमरॉन मेक का ट्रांसमीटर है, मतलब ये जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है वो ओमरॉन है। अगर आपको इसमें ध्यान से दिख रहा हो तो आप पढ़ सकते हैं, ओमरॉन चाइना। ये भी अभी तक किसी भाई ने बात नहीं बताई। तो ये तीन बातें हैं ऐसी जो मैंने अभी तक इसके बारे में बताई हैं, जो अब तक YouTube पर किसी ने नहीं बताई। चौथी है ये फिजिकल की, जो कि ऐसे निकल आती है, रिमोट के अंदर इंसर्ट होती है। रिमोट के यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, रिमोट के पीछे यहाँ पे इंसर्ट होती है। तो
ये फिजिकल की जो है वो कहीं पे भी किसी काम नहीं आती, सिर्फ इसका मेन एक ही काम है इस फिजिकल की का, और वो ये है कि अगर आपकी रिमोट की बैटरी लो हो जाए तो आप इससे क्या कर सकते हैं, जो राइट साइड का ड्राइवर्स डोर है उसमें की होल है, मतलब उसमें आप की इंसर्ट करके अपनी गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं, यही इसका सबसे बड़ा है, बाकी और कहीं भी गाड़ी में कहीं पे भी की होल नहीं है। तो एक ये फिजिकल की इसमें होती है, ये एक इसका एक प्लस पॉइंट भी है कि अगर रिमोट ना काम करे। चौथी चीज आप देख सकते हैं कि जैसे अगर आपकी कार का बैटरी लो आता है और यहाँ पे डैशबोर्ड पे सिग्नल दिखाता है कि कार की बैटरी लो है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस रिमोट में आके ट्रांसमीटर इनबिल्ट है, बैटरी तो है, वो जेब में होएगा तो बैटरी से वो ट्रांसमीटर कनेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर बैटरी इतनी लो हो जाए कि गाड़ी स्टार्ट ही ना हो सके, उसके लिए ये है, आपको जस्ट इसको इस रिमोट से प्रेस करना है, और ये देखिए सीधा एक ही बार में ऑफ कार सीधी ऑन हो गई, ये आप देख सकते हैं। देख सकते हैं राइट साइड का है, और मैं यही दिखाना चाहता था, देख सकते हैं चाबी गाड़ी के अंदर पड़ी है और कार लॉक नहीं हो रही है, यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि किसी भी हाल में कार के अंदर चाबी रह जाए तो आप ये गलती भी नहीं कर सकते कि आप कार को लॉक कर दे, कार लॉक नहीं होगी ये, क्योंकि ट्रांसमीटर जो है इसको गाड़ी की जो रेंज है उसमें डिटेक्ट करता रहेगा और फॉल्स का एरर कोड क्रिएट करता रहेगा कि सिग्नल में कुछ दिक्कत हो गई है, इसलिए प्रॉपर सिग्नल नहीं जनरेट होंगे और कार नहीं लॉक होगी। चौथी चीज़ इसके अंदर ये है कि आप स्मार्ट की से जिस मर्जी गेट का एक्सेस ले सकते हैं, मतलब फ्रंट टू डोर्स एक्सेसिबल हैं और ट्रंक का डोर भी एक्सेसिबल है, ट्रंक के डोर के अंदर भी एक स्मार्ट एंट्री के लिए स्विच दिया हुआ है, जस्ट उसको प्रेस करें और कार के अंदर आ जाएं। ये कुछ 4-5 पॉइंट हो गए स्मार्ट की के जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, और स्मार्ट की का कुछ ऐसा ये फिजिकल ओवरव्यू तो मैं पहले भी दे चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं स्मार्ट की है, बस जस्ट आपकी जेब में होनी चाहिए या कार के अंदर रखी होनी चाहिए और आप इसके साथ गुड टू गो हैं। और वैसे कोई इतना खास ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, पर इसमें मैं और भी जो इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ मैं वो दे दूँगा। दूसरा, अगर आपकी कार के अंदर ये स्मार्ट चार्जर या अपना वायरलेस चार्जर इंस्टॉल हुआ हुआ है तो किसी भी हाल में यहाँ पे इसके ऊपर सिक्के वगैरह या ये स्मार्ट की वगैरह ना प्लेस करें, क्योंकि इससे चार्जर मेल फंक्शन हो सकता है और ख़राब हो सकता है। तो मैं अपने माध्यम से जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ उतनी मैं देता हूँ और कोशिश करता हूँ। और आखिरी में बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये सोचें कि जैसे कार में स्मार्ट की, जैसे कार स्टार्ट है, तो ये आपकी कार को वैसे उस तरीके से नहीं सेव कर सकती कि आप सोचे कि कार स्टार्ट है और स्मार्ट की लेके उतर जाए तो गाड़ी बंद हो जाएगी थोड़ी देर बाद। अगर गाड़ी स्टार्ट है तो गाड़ी स्टार्ट ही रहेगी, नहीं बंद होगी, चाहे वो स्मार्ट की से रेंज से चला जाए, सिर्फ यहाँ पे जो है उसका इमोबिलाइजर का सिग्नल जो है आपके डैशबोर्ड में वो ब्लिंक करना शुरू कर देगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, गाड़ी नहीं बंद होगी। गाड़ी जब भी बंद होगी एक बार भूल से बंद हो गई या किसी भी तरीके से, फिर नहीं स्टार्ट होगी बिना चाबी के। तो ये कुछ स्मार्ट की के ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो कि अभी तक मेरे किसी भाई ने नहीं बताए, पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, इस नॉलेज को आज ज़्यादा से ज़्यादा आगे बांटिए, और बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी ही आपको किसी नए कार से रिलेटेड टॉपिक पे मिलता हूँ आपको, या फिर नीचे आपके लिए कमेंट्स बॉक्स ओपन है, प्लीज़ उसमें कमेंट कीजिए और बताइए आप क्या देखना सुनना या क्या जानना चाहते हैं कार से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो मैं ऐसा वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। टिल देन बाय बाय।